जर्नलिज्म जब देश की गिर जाती है, जर्नलिज्म जब देश की गिर जाती है, हर तरफ भक्तों की टोली नजर आती है। एक दिया ही काफी है रोशनी के लिए, सच कहते हैं सब अंधेरों के तलक बाती हैं। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सुधीर तिहाड़ी सुधीर चौधरी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं सुधीर चौधरी बड़े ही मशहूर पत्रकार हैं और बड़े ही ईमानदार पत्रकार हैं। अरे यार हंस बाद में लेना, पहले सुन लो, बड़ा ही गंभीर मामला है। हम बात कर रहे थे दोस्तों सुधीर चौधरी की। दोस्तों सुधीर चौधरी जी बड़े ही फेमस पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, परंतु आजकल जब कुछ टाइम से पता नहीं क्या हुआ, उनके नक्षत्र ठीक नहीं है कि जब भी वो अपना प्रोग्राम, ये बड़ा ही फेमस प्रोग्राम है इनका, जब भी अपना ये प्रोग्राम बनाते हैं तब या तो ये ट्रोल हो जाते हैं या फिर इनके ऊपर एफआईआर रहती है। जब भी ये प्रोग्राम बनता है कुछ ना कुछ क्लेश होता ही है, तो इस बार भी इनका एक क्लेश हुआ है। वो क्या है क्लेश हम आपको बताएंगे। अभी कल की बात है, इनका एक नया प्रोग्राम आया जिसमें सुधीर चौधरी जी ने कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां बेरोजगारी सबसे कम है। अब हो सकता है कि इनके पास डाटा ही ऐसा आया हो तो इन्होंने उसी के हिसाब से ये पूरी एक स्टोरी बना दी है। और इन्होंने बकायदा अपने इस पूरे प्रोग्राम में ये बताया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बेरोजगारी कम है। अब ये सब आंकड़े इनको किन्होंने दिए हैं, कहाँ से इन्होंने ये आंकड़े जुटाए हैं, ये तो मुझे पता नहीं, पर पहले आप ये वीडियो देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस वीडियो को लेकर क्यों सुधीर चौधरी जी ट्रोल हो गए हैं। भारत के जिन 10 राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी है उनमें 7 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी त्रिपुरा में है, वहां पर बेरोजगारी दर सिर्फ 1.4% है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1.6%, यानी वहां भी स्थिति बहुत अच्छी है। झारखंड, गुजरात और असम में 1.7%, दिल्ली में 1.9%, पश्चिम बंगाल में 2.2% और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.4% है। यानी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां देश में सबसे कम बेरोजगारी है, जो आपके सामने नैरेटिव पेश किया जाता है उसके उल्टा। इसके अलावा जिन 5 राज्यों में अगले महीने चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी कांग्रेस शासित राज्यों में है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 4.4%, तेलंगाना में भी 4.4%, छत्तीसगढ़ में 2.4% और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मिजोरम में 2.2% है। मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, वहां है 1.6%। लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा राजनीति मध्य प्रदेश में ही हो रही है और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो बेरोजगारी पर ही दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देखा और आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर सुधीर चौधरी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां बेरोजगारी कम है और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, मतलब कांग्रेस की या किसी और की सरकार है, वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अब ये आंकड़े इनको कहाँ से मिले ये एक बड़े ही रहस्य वाली बात है, परंतु जहाँ तक हमें पता है बेरोजगारी पूरे ही हिंदुस्तान में है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी राज्य में बेरोजगारी नहीं है, किसी में बेरोजगारी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, परंतु बेरोजगारी सब जगह है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, हम लोग इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज बात करते हैं हमारे सुधीर चौधरी जी के बारे में। तो दोस्तों जब से इनका ये प्रोग्राम आया तब से ये सोशल मीडिया पर खूब जमकर ट्रोल हो रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा इनके बारे में, अरे भाई अगर पत्रकारिता के पेशे में दलाली करने वालों की बात कर रहे हो तो बेशक भाजपा शासित राज्यों में दलाली के रोजगार बड़े हैं। एक अलग यूजर ने लिखा इनके बारे में, नमक का हक अदा करता एक पालतू शेरू। अब ये क्या कहें इस बारे में। खैर दोस्तों उसके बाद एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, यप एमपी में बीजेपी सरकार घर से किडनैप करके नौकरी दे रही है। ये बड़े अचंभे वाली बात है और अगर ऐसा होने लग जाए फिर तो हमारा देश ही ना सुधर जाए कि भैया घर से उठा के ले गए जबरदस्ती उसको नौकरी दे दी, क्या मजे की बात है। क्या दोस्तों एक ट्विटर यूजर ने बड़ी ही लंबी छोटी कहानी लिखी, उन्होंने लिखा कि श्रीमान सुधीर चौधरी जी क्या आपने कभी एमपी में आकर देखा है कि एमपी के युवा को क्या हाल है, 4-5 साल बाद भर्ती आई और उसको भी रोक दिया गया, क्या आपने उन चयनित अभ्यर्थियों की रिपोर्ट दिखाई, एक भी दिन
कुछ तो शर्म की होती ये न्यूज दिखाने से पहले। साथ में इन्होंने एक हैशटैग भी चलाया कि हैशटैग चुनाव के पहले नियुक्ति बेरोजगारी से मुक्ति। ये बहुत अच्छी बात है कि चुनाव से पहले अगर लोग इसी बात के लिए अगर खड़े हो जाए कि भाई हम वोट तभी देंगे जब बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, तो कुछ ना कुछ इससे भी एक समाधान निकल सकता है जिस हिसाब से हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। खैर, एक अलग यूजर ने लिखा कि यह मीडिया वाले भाजपा के सबसे बड़े चमचे हैं। चमचों की लिस्ट में सबसे ऊपर का नाम मीडिया वालों का आता है। जब मणिपुर में कांड हुआ था तो एक भी मीडिया वाला वहां नहीं गया था, और अब इसराइल के दंगे हो रहे हैं तो मीडिया वाले तुरंत वहां पहुंच चुके हैं। इनको कहते हैं दोगला गिरा इंसान। दोस्तों, ये वाक्य में बड़ी सच्चाई वाली बात है कि जब मणिपुर में दंगे हुए, जब वहां की हमारी बहन बेटियों को नंगा करके रोड पे घुमाया गया, सरेआम कत्लेआम हुआ वहां पे, तब कोई मीडिया वाला वहां नहीं पहुंचा। और आज के टाइम में आप देखेंगे कि इसराइल में जगह जगह हमारे मीडिया वाले जाके वहां से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, लाइव फुटेज दिखा रहे हैं। उसके चलते कई बार उनको शर्मसार भी होना पड़ा है, वो हमने भी दिखाया आपको। परंतु कोई भी एक भी जर्नलिस्ट, एक भी पत्रकार मणिपुर नहीं गया, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे सुधीर चौधरी जी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ में ये जरूर बताएं कि आपके शहर में बेरोजगारी का क्या हाल है, ताकि सुधीर चौधरी जी तक एक बिल्कुल सही फैक्ट आंकड़े, बिल्कुल सच वाले आंकड़े इन तक पहुंच सके और इनको पता चल सके कि एक्चुअली में बेरोजगारी का क्या हालात है। तो दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।